Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangar College, Didwana. आज हम BSc Second Year का जो First Paper का टॉपिक है Gymnosperm जिसमें हम पढ़ रहे थे उसमें हम Affinities of Gymnosperms पढ़ेंगे. Affinities का मतलब होता है संबंध. Gymnosperms को Pteridophytes और Angiosperms के बीच में रखा गया है, तो इसके दोनों ही ग्रुप से संबंध जाने गए हैं. तो इस संबंध में हम उनके पहले ही समानताएं पढ़ेंगे, रिजम्बलेंस, और फिर उन ग्रुप से यानी कि टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म से उनकी असमानताएं पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे. सबसे पहले एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में हम पढ़ेंगे एफिनिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म विद टेरिडोफाइट्स. जिम्नोस्पर्म्स का टेरिडोफाइट से संबंध पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिजम्बलेंस, क्या समानता है दोनों में. द प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स लाइक साइकस आर मच आइडेंटिकल विद टेरिडोफाइट स्पर्म्स. जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे साइकस वगैरह हैं जो बहुत पहले के हैं, वो देखने में लगभग समान होते हैं टेरिडोफाइट्स की जो फर्न्स होती हैं, जो टेरिडोफाइट्स में फर्न्स रखी गई हैं उनसे देखने में काफ़ी समानता दर्शाते हैं. दे आर टेकिंग एज टेरिडोफाइट्स फॉर लॉन्ग टाइम. इसी कारण से इनको बहुत लंबे समय तक टेरिडोफाइट्स ही माना जाता है. दे वर कॉल्ड फर्न्स विद सीड्स. इनको उस समय क्या कहा जाता था, ऐसी फर्न्स थी ये जिनके ऊपर बीज पाए जाते थे. दे आर कॉल्ड फर्न्स विद सीड्स, ऐसी फर्न्स जिनके ऊपर बीज थे, सीड्स थे. There are following resemblance between both groups. जो कुछ समानताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं. देखिए, नंबर वन, both have regular alternation sporophytic and the gametophytic generations. दोनों ही ग्रुप के अंदर स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है. पीढ़ी एकांतरण sporophytic और gametophytic पीढ़ियों का. sporophytic हो गई बीजाणुद्भिद और गैमेटोफिटिक हो गए युग्मोद्भिद. तो दोनों ही जनरेशन का स्पष्ट, दोनों ही पीढ़ियों का स्पष्ट अल्टरेशन पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है, यानी कि दोनों ही स्पष्ट रूप से अलग अलग विभेदित होती हैं. देयर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड फॉर्म्स द मेन प्लांट बॉडी. दोनों ही ग्रुप का जो मेन प्लांट बॉडी हमको दिखाई देती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट ही इनके जीवन चक्र का प्रभावी अवस्था होती है. स्पोरोफाइट जो है वो इसकी डोमिनेंट या प्रभावी अवस्था होती है, और जो मेन प्लांट बॉडी है दोनों ही ग्रुप्स की, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स की, वो स्पोरोफिटिक होती है. स्पोरोफिटिक का मतलब है कि उसमें रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं. ठीक है, गैमेटोफाइट इज रिड्यूस टू प्रोथैलस. जो गैमेटोफाइट है वो युग्मोद्भिद जो है वो छोटा होता है और प्रोथैलस के रूप में पाया जाता है. आप डिफरेंट गैमेटोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में आपने देखा है वो प्रोथैलस के रूप में पाया जाता है. नंबर टू, दूसरी समानता, बोथ आर हिट्रोस्पोरस. ठीक है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों ही विषम बीजाणु है, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दो प्रकार के बीजाणु, लघु बीजाणु और बृहत बीजाणु. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दोनों प्रकार के स्पोर्स इनके जीवन चक्र में पाए जाते हैं. तीसरा देखें, तीसरी समानता, बोथ हैव सिमिलैरिटीज इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. आपने मैंने ऊपर ही बताया कि जो डोमिनेंट फेस स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट आप जानते हैं रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होता है. यही बता रहा है ये, जो एक्सटर्नल बाह्य संरचना है उसमें दोनों ही ग्रुप काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं. देयर बॉडीज आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. इस प्रकार जो इनकी बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है. ठीक है, स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दोनों हेटरोस्पोरस हैं ग्रुप, टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स, और दोनों का जो मेन डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है जो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होता है.
नेक्स्ट देखें, चौथा बोथ हैव वास्कुलर एलिमेंट्स, यानी कि दोनों में ही संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो संवहन बंडल होता है आप जानते हैं वो जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ होता है। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन बोथ, दोनों ही ग्रुप में वाहिनियाँ, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स से कोशिकाओं का अभाव होता है दोनों ही ग्रुप के अंदर, यानी कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के जो वास्कुलर बंडल्स हैं उनमें जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। जाइलम में वाहिनिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। बोथ शो सर्सिनेट टेक्सेस साइकेडेज, यानी कि बोथ के दोनों ही ग्रुप में जब नई लीफ उत्पन्न होती है तो उसमें सर्सिनेट वर्निशन पाया जाता है, उसमें सर्सिनेट वर्निशन पाया जाता है, यानी कि जो लीफ है वो यंग लीफ इस तरीके से कॉइल्ड होती है, दिस इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्निशन, और जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी फिर लीफ सीधी हो जाती है, चाहे लीफलेट हो चाहे कंपाउंड लीफ हो। शुरुआत में जब लीफ पैदा होती है तो वो इस तरीके से कॉइल्ड होती है, दिस इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्निशन। द स्पोरेंजिया ऑफ बोथ आर अरेंज इन सोराई एज इन साइकस, दिस इज सोराई आर और आई एस ओ आर आई सोराई, यानी कि ग्रुप में स्पोरेंजिया बोथ आर अरेंज इन सोराई एज इन साइकस, जैसा कि आपने साइकस में देखा है जो स्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरेंजिया है वो इस तरीके से तीन या चार के ग्रुप में होते हैं। इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, इस पूरे ग्रुप को सोराई कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को सोराई कहा जाता है। द मेगास्पोर इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, दोनों ही ग्रुप में क्या होता है जो मेगास्पोर्स हैं यानी कि जो फीमेल स्ट्रक्चर या वृहद बीजाणु है मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्थापित रहता है, बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलता है। पहले आपने एल्गी में पढ़ा था कि जो है वो पानी में दोनों ही स्पोर्स निकल आते थे, लेकिन यहाँ केवल माइक्रोस्पोर निकलेगा, मेगास्पोर हमेशा ही लगा रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। फर्टिलाइजेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाके होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एज इन सेलेजिनेला, दोनों के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, दोनों ही ग्रुप्स के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो इज भ्रूण, और भ्रूण में भी सस्पेंसर का निर्माण होता है भ्रूण में, जैसे कि आपने सेलेजिनेला में देखा है। ठीक है, दोनों ही ग्रुप के अंदर सस्पेंसर का भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण जो है भ्रूण के अंदर सस्पेंसर भी बनता है, सस्पेंसर जो एम्ब्रियो होता है आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक एम्ब्रियो है, सस्पेंसर है और तीसरा फुट होता है, जो फुट को धके सस्पेंसर जो है ये लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। इस सस्पेंसर की लंबाई बढ़ने से जो एम्ब्रियो है वो लंबा होकर अपने भोजन को इधर उधर से कलेक्ट कर सकता है। जो आपको मैं सर्सिनेट वर्निशन बता रहा था इसकी हिंदी है कुंडलित विन्यास, दैट इज कुंडलित विन्यास। इसके बाद देखें अंतर डिफरेंसेस, नंबर वन देखें
टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स के अंतर। पहला है, टेरिडोफाइटा में बोथ द माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर शेड फ्रॉम स्पोरेंजिया, द गैमेटोफाइट्स डेवलप एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लांट इन वाटर और ऑन सॉइल। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स दोनों ही स्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं। अभी आप रिजम्बलेंस में पढ़ रहे थे, लेकिन वो हायर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में संबंध में माना जाता है। ऐसे अगर हम इन जनरल दोनों को अलग करना चाहें, दोनों में ये डिसिमिलरिटी भी मानी जाती है कि दोनों में ही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स स्पोरेंजिया से बाहर निकल आते हैं, और जो गैमेटोफाइट है वो जल में या भूमि पर, गैमेटोफाइट डेवलप एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लांट इन वाटर और इन सॉइल। तो टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं होता है, अलग निकलकर जल में या भूमि पर ग्रो करता है, एकदम स्वतंत्र होता है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, इन जिम्नोस्पर्म्स ओनली द माइक्रोस्पोर्स आर शेड फ्रॉम स्पोरोफाइट बट द मेगास्पोर रिमेन्स इन द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं सब में केवल माइक्रोस्पोर्स सूक्ष्म बीजाणु जो हैं वो स्पोरोफाइट से या माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं, जबकि जो मेगास्पोर है वो हमेशा ही मेगास्पोरेंजियम में बना रहता है। मेगास्पोर हमेशा मेगास्पोरेंजियम में, या गुरु बीजाणु जो है वो हमेशा मेगास्पोरेंजियम में लगा रहता है। तो जो ये हिट्रोस्पोरस या हिट्रोस्पोरस कंडीशन हम देखते हैं वो हमको कुछ टेरिडोफाइट्स में मिलती है, सब में नहीं मिलती है। और जो सीड हैबिट की तरफ जाने की परंपरा है, सीड हैबिट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए थी कि जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम में लगे रहना चाहिए। तो जो हम हायर टेरिडोफाइट्स के अंदर देखते हैं उनमें सब में मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता, लेकिन जो जनरल शुरू के टेरिडोफाइट्स हैं उनमें दोनों ही स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं, चाहे माइक्रो हो चाहे मेगा हो। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में केवल माइक्रोस्पोर्स ही, सभी में शुरू से प्रिमिटिव से लेकर और एडवांस तक जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं सब में माइक्रोस्पोर्स हमेशा बाहर निकलेंगे स्पोरोफाइट से या माइक्रोस्पोरेंजिया से, जबकि मेगा स्पोरेंजिया हमेशा मेगास्पोर्स को अपने अंदर लगाए रखते हैं। दूसरा डिफरेंस देखें, देयर इज नो सीड फॉर्मेशन इन द टेरिडोफाइट्स बट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर कभी भी बीज का निर्माण नहीं होता है, कहीं भी आप बीज का निर्माण नहीं देखोगे, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सीड का निर्माण पाया जाता है, भले ही वो नेकेड हो, सीड जिम्नोस्पर्म्स में सब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखें, द मेल सेल्स और स्पर्म्स आर कैरीड बाई पोलिन ट्यूब टू द आर्जिकोनिया इन द जिम्नोस्पर्म्स बट पोलिन ट्यूब इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आप देखेंगे जो, क्योंकि जो मेगास्पोर है या ओव्यूल है या ओवरी या आर्जिकोनिया जो बन रहा है वो मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर बन रहा है, तो जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल सेल्स हैं वो पोलिन ट्यूब के द्वारा, पराग नलिका के द्वारा आर्जिकोनिया तक पहुंचती हैं, जबकि ऐसा टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, द गैमेटोफाइट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर सिंपल एंड नॉट ग्रीन इन कलर एज इन फंस और इक्विसिटन। जो गैमेटोफाइट्स थे वो जिम्नोस्पर्म्स में सिंपल होते हैं और ग्रीन भी नहीं होते, हरे नहीं होते, यानी कि पूर्णतया निर्भर होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, ग्रीन नहीं है। लेकिन फंस में हम देखेंगे, इक्विसिटम में देखेंगे कि वो उनका जो गैमेटोफाइट है वो ग्रीन होता है और अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, स्वतंत्र होता है। ये आप शुरू में आपने पढ़ा है कि जो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद हैं वो टेरिडोफाइट में हमने बताया था कि दोनों स्पोर्स बाहर निकले हैं तो उनका निर्माण सॉइल में या जल में होता है, तो उसमें जीने के लिए इनको
अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट पूर्णतः निर्भर होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। नेक्स्ट, देर आर नो नेक कैनाल सेल्स एंड समटाइम्स नो वेंटर कैनाल सेल एंड द नेक इज वेरी स्मॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम आर्चिगोनिया को देखें, स्त्री धानी को देखें, तो उसमें ना तो ग्रीवानाल कोशिका, नेक कैनाल सेल्स, ग्रीवानाल कोशिका और वेंटर कैनाल सेल दोनों ही नहीं पाई जाती हैं, और इसकी जो आर्चिगोनिया की नेक ग्रीवा होती है वो बहुत छोटी होती है। जबकि आपने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा है कि सबके अंदर नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल होती है और लंबी नेक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एफिनिटीज विद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के साथ संबंध, क्योंकि हमने इसको जिम्नोस्पर्म को सॉरी एंजियोस्पर्म्स के साथ संबंध हमको पढ़ने हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स को हमने टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में रखा है, तो दोनों ही ग्रुप से कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका संबंध पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के साथ, उसमें सबसे पहले समानताएँ पढ़ेंगे। दे आर सिमिलर इन देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दैट इज द डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। यानी कि दोनों ही का पौधा स्पोरोफाइट होता है और बाह्य संरचना में लगभग एक से होते हैं, यानी कि दोनों ही स्पोरोफाइट या दोनों ही प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है। नंबर टू, बोथ हैव आइडेंटिकल इंटरनल एनाटोमी, दोनों की आंतरिक संरचना भी लगभग समान होती है। बोथ हैव आइडेंटिकल इंटरनल एनाटॉमी, आंतरिक संरचना जो है वो दोनों की समान होती है। कैम्बियम इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स। जो कैम्बियम है या एधा है वो कैम्बियम जो है वो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट जो एंजियोस्पर्म्स हैं दोनों में समान रूप से पाया जाता है। कैम्बियम दोनों ही एंजियोस्पर्म और डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स जो द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, द कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैव क्लोज इवोल्यूशनरी लिंक। यानी कि जिम्नोस्पर्म का कोन और एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर दोनों के अंदर इवोल्यूशनरी लिंक पाया जाता है, यानी कि दोनों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हुई पाई जाती है। इवोल्यूशनरी टेंस यानी कि क्लोज संबंध पाया जाता है दोनों में, जैसे जो परिवर्तन हमको देखने को मिला है इनका परिवर्तन या इनका निर्माण जो है वो एक जैसी लगभग संरचनाओं से होता है, इसलिए इसका जो आपस में इनमें दोनों में क्लोज इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पाए जाते हैं या संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, बोथ डेवलप पोलन ट्यूब फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में सब में मेल गैमेट्स या नर युग्मकों को स्थानांतरित करने के लिए पराग नलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें, बोथ हैव परमानेंट रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर और एम्ब्रियो सेक्स सेल इन द मेगा स्पोरेंजियम। दोनों ही के अंदर बीजांड में एम्ब्रियो सेक्स सेल या मेगा स्पोर गुरु बीजाणु परमानेंटली पाया जाता है, रिटेन रहता है, यानी कि उसमें से बाहर नहीं निकलता है। दोनों ही के अंदर मेगा स्पोर बाहर वातावरण में नहीं निकलता है, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल्स। बोथ प्रोड्यूस ओव्यूल्स एंड सीड्स। सिक्स नंबर देखें हम, बोथ प्रोड्यूस ओव्यूल्स एंड सीड्स, यानी कि दोनों ही बीजांड और बीजों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, बोथ हैव सिमिलरिटीज इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों की जो है लगभग समान पीढ़ी एकांतरण दोनों ही ग्रुप्स में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक प्रकार का लगभग पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन बोथ केसेस। जो स्पोरोफाइट है यानी कि जो बीजाणु उद्भिद है वो दोनों ही की लाइफ साइकिल में प्रभावी अवस्था होती है, दोनों ही की
लाइफ साइकिल में बीजाणु भेद प्रभावी अवस्था होती है। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, असमानताएं पढ़ेंगे। नंबर वन, एंजियोस्पर्म्स विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लांटी। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सबसे बड़ा और सबसे भिन्नता वाला ग्रुप है प्लांट किंगडम का। विद अराउंड 300,000 स्पीशीज दे रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स नाउ लिविंग। लगभग 300,000 जातियों के साथ जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो जितने भी ग्रीन लिविंग प्लांट्स इस अर्थ के ऊपर हैं उसका 80% भाग एंजियोस्पर्म्स का होता है। जिम्नोस्पर्म्स आर ए स्मॉलर मोर एंशियंट ग्रुप एंड इज कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स, सीड्स दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई द फूड। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के कंपेरिजन में छोटा ग्रुप है, बहुत पुराना है, एंशियंट है, पुराना है, और इसके अंदर नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। इनके सीड्स के ऊपर कोई फ्रूट जैसी कवरिंग नहीं होती। देर आर मोर देन 1,000 स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स स्टिल फाउंड ऑन अर्थ। लगभग 1,000 जातियाँ जिम्नोस्पर्म्स की इस समय भी धरती पर पाई जाती। नंबर टू, एंजियोस्पर्म्स हैव एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ बॉडी टाइप्स एंड फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम एनुअल हर्ब्स टू क्लाइंबिंग वाइन्स टू मैसिव ट्रीज। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो उनकी प्लांट बॉडी है उसकी संरचना में, उनके आकार में, उनके व्यवहार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। एक वर्षीय शाख से लेकर बड़ी बड़ी पेड़ों पर चढ़ने वाली झाड़ियाँ और बहुत बड़े बड़े वृक्ष इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स आर लार्जली वुडी ट्रीज एंड शर्ब्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, वो ज़्यादातर काष्ठीय वृक्ष होते हैं और या झाड़ियाँ होती हैं। नीटम इज़ द ओनली जिम्नोस्पर्म जीनस विथ क्लाइंबिंग वाइन्स। नीटम एक अकेला ऐसा जिम्नोस्पर्म्स है जो झाड़ियों के रूप में या क्लाइंबिंग विसर्पी जो जातियाँ होती हैं चढ़ने वाली बेलों के रूप में पाया जाता है। इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलिंग ग्रेन ड्यूरिंग जर्मिनेशन फॉर्म्स पोथेलियल सेल्स बट दीज आर नॉट प्रोड्यूस इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जब भी उनके परागकण का अंकुरण होता है तो उसमें पोथेलियल सेल्स बनती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में इनका निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स लैक आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। एंजियोस्पर्म्स में स्त्रीधानी और पुंधानी एंथ्रीडिया का अभाव होता है, जबकि ये दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। द जाइलम इन एंजियोस्पर्म्स हैज वेसल्स एंड फ्लोएम हैव कंपेनियन सेल्स। एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में वाहिनियाँ और फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादातर ये अनुपस्थित होती हैं, तो केवल एडवांस जिम्नोस्पर्म्स को छोड़कर। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर्स, दोस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कोन्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो जनन की संरचनाएं हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो कोन्स के रूप में पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में वो फूलों के रूप में या फ्लावर्स के रूप में पाई जाती हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय टू कार्पेल्स एंड एन मैच्योरिटी ए कार्पेल फॉर्म ए फ्रूट। एंजियोस्पर्म्स में जो बीज होते हैं वो ट्रू कार्पेल या अंडप में बंद होते हैं और ये अंडप बाद में फ्रूट में, फल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये फल जिम्नोस्पर्म्स में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखें हम, तो एंजियोस्पर्म शो डबल फर्टिलाइजेशन बट ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन अकर इन जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन यानी कि एक तो मेल गैमीट एग से फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमीट जो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे फ्यूज होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक मेल गैमीट एक एग से फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करता है।
द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज टेप्लॉइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये अक्सर पूछा जाता है, आपको दोनों याद होने चाहिए. जो भ्रूण पोष है एंजियोस्पर्म्स का वो हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है, जबकि इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड. जबकि जिम्नोस्पर्म्स का जो भ्रूण पोष है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले होता है. जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो भ्रूण पोष बन रहा है उसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. जो डबल फर्टिलाइजेशन से जो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट फ्यूज हुए थे ट्रिप्लॉइड, वो विकसित होकर फिर भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूण पोष पहले ही बन जाता है. इन जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स लैंड डायरेक्टली अपॉन द एक्सपोज ओव्यूल्स. जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन्स है वो डायरेक्टली खुले हुए, क्योंकि कवरिंग नहीं है ओव्यूल के ऊपर, उसके ऊपर गिरते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर इनक्लोज बाई द कार्पेल्स. ओव्यूल्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो बीजांड है वो कार्पेल के अंदर बंद है, अंडक के अंदर बंद है. इसलिए पॉलन ग्रेन को पहले फ्लावर की जो स्टिग्मा है, वृतिका है, उसके ऊपर गिरती है, वहाँ से फिर जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन का कार्य करती है. थैंक्स. ये सारे एफिनिटीज थी जिम्नोस्पर्म्स की टेरिडोफाइट्स के साथ और एंजियोस्पर्म्स के साथ. आपको उम्मीद है समझ में आई होगी. थैंक्स.